हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बायोमैथ क्लासेस एंड आज हम करेंगे अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन किस तरह से होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा। अब अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ फूड बाई द अमीबा विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ओके, उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसे हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। अब कोई भी डाइजेशन होगा किसी, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें डाइजेशन होगा तो हर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली फाइव प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये फाइव स्टेप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर उसने फूड डाइजेस्ट करना, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है। ओके, अब अमीबा में क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के नियर आता है तो उसका पूरा सरफेस एक्ट करता है, वो किसी भी साइड से फूड को इनटेक करता है। जैसे इस साइड पर फूड पार्टिकल आ गया तो उसकी बॉडी जो है फॉल्स प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। अब वो फूड पार्टिकल के अराउंड पूरा उसे कवर कर लेते हैं। ओके, तो जब फूड पार्टिकल नियर आता है और उसे पूरा कवर कर लेती है, तो मतलब उस फूड पार्टिकल अपनी बॉडी के लिए अंदर की तरफ इनटेक करता है, उस स्टेप को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, अब क्या हुआ, इनगल्फ कर लिया, अंदर ले लिया फूड पार्टिकल को। ओके, अब फूड पार्टिकल्स कहाँ चले गए, अमीबा के अंदर। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। अब इस स्टेप में क्या होगा, अमीबा की बॉडी एंजाइम्स रिलीज करती है कुछ। अब जैसे ही एंजाइम्स रिलीज होंगे क्या होगा, जो फूड था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे कंपोनेंट में, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी यूजफुल मटेरियल है, अमीबा ने जो फूड पार्टिकल लिया था उसमें से जो भी यूजफुल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल अब्सॉर्ब हुआ है, सॉरी, जो भी फूड अब्सॉर्ब हुआ है उसमें से जो जो एनर्जी है वो उसे एक्सट्रैक्ट करना है, अब्सॉर्ब फूड में से यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करना है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। इस स्टेप में क्या होता है, जैसे हम फूड किस लिए खाते हैं, फॉर द एनर्जी, तो इस स्टेप में एसिमिलेशन मीन यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इजेशन। अब क्या हुआ, यूजफुल चीज़ें अब्सॉर्ब होगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव किया जाएगा, उस स्टेप को कहते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, तो उस स्टेप को कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो दिस इज फैगोसाइटोसिस इन अमीबा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूट, हाउ डज अमीबा या न्यूट्रिशन अमीबा में किस तरह से होगी, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द फैगोसाइटोसिस, और ये फाइव स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब दो पार्ट से मिलके बना है। ठीक है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे होते हैं ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, कि जो भी हमारा फूड है जब हमारे मुंह के अंदर से वो चला जाता है तो उसको बॉडी में जाने के बाद उस फूड का क्या होता है, किस तरह से डाइजेस्ट होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो है, अब मैंने क्या बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलके बना है, एक होगी आपकी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट फॉर्म ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एलिमेंट्री कैनाल है, ये शुरू होती है माउथ से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और एंड होगा एनस, ये सारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जैसे पेनक्रियाज है, लीवर है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, तो उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले शुरू होगा माउथ। माउथ के अंदर जितना भी स्पेस होता है, ठीक है,
उसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी, और उसके नीचे जैसे थ्रोट आता है दैट इज फेरिंग्स, ओके, उसके नीचे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ईसोफेगस, ओके, ईसोफेगस के नीचे दिस स्ट्रक्चर इज स्टमक, ओके, नेक्स्ट स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे एक अपेंडिक्स दिख रही है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, ओके, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन लीवर, दिस इज द लीवर एंड दिस वन इज द पैनक्रियाज, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कई बार ड्रॉ करने के लिए आता है तो उसको ड्रॉ करके एक बार जरूर देख लेना, ओके, तो ये था अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड है वो किस तरह से डाइजेस्ट होगा, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे जो भी फूड हम खाते हैं तो बेसिकली फूड में क्या है, तीन तरह के, हमारे फूड में तीन तरह के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, जो भी फूड होगा उसमें तीन तरह के कंपोनेंट होंगे, बाकी मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो उन्हें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो बॉडी में एज इट इज़ ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जैसे माउथ है तो माउथ में क्या है, ठीक है, फूड इनटेक किया तो माउथ में क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कौन से ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है कि वो क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करेंगे। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो खुद इन स्पीड, मतलब जो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसको वो स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। बायो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, उस जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसीलिए जो डाइजेशन, जो हमारा फूड है वो कुछ आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है, अदरवाइज अगर एंजाइम नहीं होते तो कह सकते हैं कि उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिन लग सकते थे, तो ये क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड को इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले माउथ है, तो माउथ में जो भी फूड है, ऐसा नहीं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, प्रोटीन है, तीनों तरह सारी चीज़ें मुंह के थ्रू ही जाएंगी, लेकिन मुंह में जो क्या है, सिर्फ किस चीज़ का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, माउथ में क्या डाइजेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है इनटू सिंपल शुगर, और उसे हम कहते हैं माल्टोज। तो माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, ना फैट डाइजेस्ट होते हैं ना प्रोटीन। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे हम कभी खाना चबाते हैं, उसको अगर कोई ज़्यादा देर तक चबाता है तो हल्का हल्का माउथ में क्या है, स्वीट सा टेस्ट आना शुरू होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मुंह में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं माल्टोज, सिंपल शुगर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब फूड क्या है, देखो यहाँ माउथ में क्या है, उसका डाइजेशन हो गया, ठीक है, अब धीरे धीरे वो फूड है ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, नेक्स्ट उसका पाथ क्या है, स्टमक, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं फूड यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से जाएगा और यहाँ जाके गिर जाएगा, ओके, तो मतलब फूड जो है वहाँ जाने के लिए सीधा नहीं गिरेगा वो, अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप में कैसे जाता है, ठीक है। अब देखिए फूड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस, मीन्स ये एक मस्कुलर और रिदमेटिक कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, जिससे मूव फॉरवर्ड जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है ईसोफेगस, जिससे फूड धीरे धीरे जो है कहाँ बढ़ता है, स्टमक की तरफ, ओके। अब फूड जो है स्टमक में आ गया, यहाँ पे वेल्व लगे होते हैं, ठीक है। अब वेल्व का काम क्या है, जैसे फूड यहाँ पहुँच गया इसको क्लोज कर देते हैं, उसका हम रीज़न आगे करेंगे स्टमक में कि ऐसा क्यों है, ठीक है। जैसे जैसे ही फूड अब कहाँ गया, स्टमक में पहुँच गया, ठीक है, तो सलाइवा प्लस जो भी एंजाइम्स थे वो सारे फूड मिक्स होके कहाँ आ गए, यहाँ, तो उन सब की जो मिक्स फूड रहता है उसे हम काइम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टमक में फूड आ गया है, तो एक चीज़ याद रखना, माउथ में क्या डाइजेस्ट हुए थे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, और कौन सा एंजाइम था,
सलाइवरी अमाइलेज। अगर बात करें स्टमक की, तो स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, और थोड़ा बहुत फैट, लेकिन लार्ज अमाउंट किसका डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन का। ओके, अब प्रोटीन पे एक्ट करता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज ने तोड़ा है, प्रोटीन को तो कौन तोड़ेगा? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम यहाँ के लग गया, उसने प्रोटीन को छोटी यूनिट में तोड़ दिया इंटू पैप्टोन्स। अब हम यहाँ देखें, देखो पहले सिंपल शुगर बनी, अब स्टमक में आ गया फूड, पैप्टोन में तोड़ दिया, तो मतलब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत क्या थी? कि ठीक है, डाइजेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ी? डाइजेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी जो फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में अब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए डाइजेशन होता है कि जो सिंपलर यूनिट है उसमें ब्रेक करना पड़ता है, तब हमारी बॉडी उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, उसके बाद फूड यहाँ पे जैसे ही प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है पेप्टोन में, लेकिन अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे एक और चीज़ रिलीज होती है, दैट इज HCl। ठीक है, अगर HCl रिलीज नहीं होगा तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है, अब उसके HCl और प्रोटीन डाइजेशन का क्या रोल है कि जो एंजाइम्स हैं स्टमक में वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है, तो पहले HCl उन एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं पेप्टोन में। नेक्स्ट इज HCl। अब हम करेंगे कि HCl का काम क्या है। ठीक है, कि HCl और कौन सा काम करता है? हाँ, अब देखो HCl क्या करता है, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, अभी हमने डिस्कस करा कि एंजाइम्स तभी वर्क करेंगे, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो वो कौन देगा? HCl। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जितने भी जर्म्स आ रहे हैं उन सबको वो किल कर देगा, फूड में जो भी बैक्टीरिया हैं ये जर्म्स हैं उन सबको वो किल कर देता है। सेकेंड, इट सॉफ्टन द फूड। ठीक है, वो फूड को क्या कर देगा, साथ में सॉफ्ट कर देता है। ओके, पिछली स्लाइड में देखा हमने कि स्टमक में फूड आएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जितना भी फूड है सारा कंप्लीट, अगर कोई चीज़ रह जाती है जो डाइजेस्ट नहीं हुई है, वो सारी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, कि जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो ग्लैंड आ जाता है बाइल, ठीक है, लीवर ग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, और लीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसिडिक फूड को इंटू एल्केलाइन। कई बार फंक्शन पूछते हैं कि बाइल का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे डायग्राम में दिखाया था, एक सेकेंड, यहाँ देखो लीवर है, स्टमक से फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ से फूड होता हुआ यहाँ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या क्या आ रहा है? एक तो लीवर ग्लैंड है, ठीक है, उसकी सिक्रीशन आएंगी, साथ में यहाँ से पैनक्रियाज की सिक्रीशन भी आ रही है। ठीक है, तो जितना भी फूड मैंने क्या कहा, जो भी फूड में अगर कोई फूड रह गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, तो सारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, सारा फूड यहीं आके डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब फर्स्ट इज की बाइल, तो लीवर से जो जूस सिक्रीट करेगा दैट इज बाइल। तो बाइल का क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्ट एसिडिक फूड इंटू एल्केलाइन, क्योंकि स्टमक से जो फूड आया था वो क्या था, सारा एसिडिक था, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एल्केलाइन में, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, जब एसिड रिलीज होता है तो साथ में वहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है, दैट्स वाई स्टमक हमारी जलती नहीं है। लेकिन जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो वहाँ पे क्या है, कोई ऐसी प्रॉपर कवरेज नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, बाइल जो होता है एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एल्केलाइन बना देता है, ताकि स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे हार्म ना हो। ठीक है, और उसका मेन फंक्शन होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, की फैट की एमल्सिफिकेशन क्या होती है? तो कुछ नहीं है, एमल्सिफाई मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ताकि अब देखो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, एंजाइम लगेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, अब छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो ज़्यादा एंजाइम उसको इजिली कवर कर पाते हैं, इसलिए
एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या हो गया, बड़े फैट को छोटी यूनिट में तोड़ना, दैट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इजिली वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइल कोई एंजाइम नहीं है, सिर्फ ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब क्या कहा कि पेनक्रियाज से भी क्या आ रहे थे, जूसेज आ रहे थे। अब पेनक्रियाटिक जूसेज में क्या है, एंजाइम्स हैं लाइक ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड्स में, ठीक है। अब स्टमक में क्या बने थे, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, उसको इंटेस्टाइनल एंजाइम किस में चेंज कर देंगे, अमाइनो एसिड में। अब हम क्या कर रहे हैं कि डाइजेशन में कम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर यूनिट में तोड़ा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट थे, ठीक है, उससे हमने एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है, ग्लूकोज। प्रोटीन थे, प्रोटीन से एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है, अमाइनो एसिड, मीन अमाइनो एसिड से बने हैं प्रोटीन, तो सिंपलर यूनिट क्या होगी, अमाइनो एसिड। ग्लूकोज से क्या बना थे, कार्बोहाइड्रेट, तो सिंपलर यूनिट क्या होगी, ग्लूकोज। वैसे ही फैट को लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा, उसे तोड़ देता है फैटी एसिड इंटू ग्लिसरोल। वैसे ही माल्टोज है, जब माउथ में डाइजेशन हुआ तो कौन सी शुगर बनी थी, सिंपल शुगर, दैट इज माल्टोज। माल्टेज आके लगेगा और उसे तोड़ देगा इंटू ग्लूकोज, ठीक है। तो ये थे अबाउट द एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। अगर इनमें ये डिफ़िकल्टी रहेगी तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट मतलब ट्रिक्स, किस तरह ट्रिक करके थोड़ी छोटी सी, जैसे किस तरह से हम इजीली एंजाइम्स को लर्न कर लेते हैं। पर सबसे पहले आप पहले इस तरह से समझो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। नेक्स्ट इज, अब क्या हुआ, फूड जो था फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया था, सारा डाइजेस्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए इनटू, कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट हो गए, इनटू ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन अमाइनो एसिड, फैट किस में टूट गए, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल। अब स्टमक में क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, से फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस बनी रहती हैं, उन्हें कहते हैं विलाई, ठीक है। जो भी फूड बना था वो किसके थ्रू अब्सॉर्ब हो जाएगा, विलाई के थ्रू। अब देखो कोई चीज़ स्ट्रेट है और कोई फोल्डेड है फिंगर की तरह, ठीक है, तो अब्सॉर्ब एरिया किसका इंक्रीज, एरिया कैसे इंक्रीज हो जाएगा, जो चीज़ फोल्डेड है, तो दैट्स वाई सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो अब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि सारा फूड कहाँ डाइजेस्ट होकर अब्सॉर्ब हो चुका है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे वाटर और सॉल्ट अब्सॉर्ब होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो एनस के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है। दिस इज अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एंड द लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।